हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज से दिलीप ट्रॉफी का आगाज हो गया और आज के दिन दो मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला नॉर्थ जोन वर्सेस नॉर्थ ईस्ट जोन और दूसरा मुकाबला सेंट्रल जोन वर्सेस ईस्ट जोन। तो पहले हम पहले मुकाबले की बात करते हैं जो खेला गया नॉर्थ जोन वर्सेस नॉर्थ ईस्ट जोन। टॉस की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जोन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक मजबूत बैटिंग लाइनअप को उन्होंने बल्लेबाजी का मौका दे दिया और कहीं ना कहीं एक बेटर विकेट पर आप बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ जोन के लिए शुरुआत हुई, ध्रुव सोरे और प्रशांत चोपड़ा ने 80 रन की पार्टनरशिप लगाई ओपनिंग की अगर बात की जाए। और स्पेशली ध्रुव सोरे पिछले एक साल में जिस तरह का खेल उनका रहा है, रणजी ट्रॉफी में वो टॉप 3 रन स्कोरर्स में से थे, 900 से ज़्यादा रन उन्होंने उस सीज़न बनाए। अगर आप देखेंगे ध्रुव सोरे 4-5 साल पहले इन्होंने बहुत सारे रन्स रणजी ट्रॉफी में और डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाए थे, बीच में एक डाउनफॉल सा आया इनका जहां पर ये बहुत ज़्यादा खेलते हुए भी नहीं दिखाई दिए और रन्स भी उतने ज़्यादा इनके नहीं बने। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में भी थे, लेकिन इस सीज़न से कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत बहुत शानदार हुई है। आज के मैच की बात करें तो उन्होंने 135 रन की पारी खेली है 211 गेंदों में, जिसमें 22 चौके और बड़े फ्लुएंट बल्लेबाज हैं, टेक्निकली साउंड हैं। 4-5 साल पहले जब इनके बल्क रन बने थे तो शायद इनकी बात हो रही थी कि आगे जाएंगे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं खो गए थे। लेकिन इस सीजन से जो परफॉर्मेंस उनसे दोबारा से आनी शुरू हुई है बहुत कमाल की रही है। रणजी ट्रॉफी का देखें और अभी आप दिलीप ट्रॉफी में उनके 100 की बात करें। उनके जोड़ीदार प्रशांत चोपड़ा वो भी सीजन कैंपेनर है, लेकिन यहां पर जो स्टार्ट मिला था उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए और सिर्फ 32 रन बना करके वो पवेलियन वापस चले गए। उसके बाद एक और हिमाचल के प्लेयर अंकित कलसी, और इस टीम में आप देखेंगे कि हिमाचल से आपको कुछ खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंकित कलसी आए और चले गए पहली गेंद पर बिना खाता खोले और उनको आउट करने वाले गेंदबाज थे पीजे सिंह। सो कहीं ना कहीं पहली गेंद पर आकर के वो गए। उसके बाद प्रभसिमरन सिंह जो इस टीम के विकेटकीपर बैट्समैन थे, सो उनको रेड बॉल क्रिकेट में जो लेके आया जा रहा है, पहली आउटिंग उनकी कह सकते हैं कि आप इस लेवल पर आपको देखने को मिली और वो बहुत ज्यादा खास नहीं कर सके। हालांकि शुरुआत अगर बात करेंगे तो उनको अच्छी शुरुआत कहीं ना कहीं मिली थी, 31 रन किए उन्होंने 40 गेंदों पर, 4 चौके और 1 छक्के के साथ अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जो स्टार्ट उनको मिला है ये 30s कन्वर्ट करने पड़ेंगे आपको रेड बॉल क्रिकेट में। T20 क्रिकेट में तो ठीक है, आप 30s बनाते हैं, उनकी वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि बहुत इंपैक्टफुल रन कहीं ना कहीं इनकी तरफ से आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगले बैट्समैन अंकित कुमार, वो भी कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, 9 रन उन्होंने सिर्फ बनाए 21 गेंदों पर 2 चौकों के साथ। उसके बाद बारी थी निशांत सिंधु की, और निशांत सिंधु पर नजर बहुत दिनों से है सभी की, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में बात करें अंडर 19 से आने वाला युवा खिलाड़ी। इस साल रणजी ट्रॉफी में भी इनके बल्ले से कुछ पारियां निकली थी, साथ में गेंदबाजी भी, बेहतर लेफ्ट आर्म स्पिन के ऑप्शन है और ये वो बल्लेबाज है जो आपके लिए टॉप 5 में बल्लेबाजी कर सकता है, साथ में गेंदबाजी से कंट्रीब्यूशन दे सकता है। सो यहां पर उनके बल्ले से कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, उन्होंने 76 रन की पारी खेली 113 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्कों के साथ। उसके बाद कप्तान जयंत यादव कुछ खास नहीं कर सके और उनके लिए भी वो भी आए और गए, सिर्फ 2 गेंद उन्होंने खेली, कोई रन उन्होंने अपनी पारी में ऐड नहीं किए। उसके बाद पुलकित नारंग की बात की जाए, सो पुलकित नारंग अभी नॉट आउट बैट्समैन है और उनकी चर्चा काफ़ी हो रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्योंकि ऑफ स्पिनर की एक खोज कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट में चलेगी और साथ में वो जो बल्लेबाजी से यहां पर रन्स स्कोर करते हुए नजर आ रहे हैं, 23 रन उन्होंने बनाए 66 गेंदों पर 3 चौकों के साथ, और अभी भी वो नॉट आउट बैट्समैन है और उनके साथ दूसरे नॉट आउट बैट्समैन हैं, वो हैं निशांत सिंधु। सो 306/6 ये है नॉर्थ जोन का ओवरऑल स्कोर अभी तक, उन्होंने जो पहले दिन का खेल खत्म होने तक बनाया है। सामने नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो गेंदबाजी शायद उतनी मजबूत नहीं थी, सो वहां पर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एडवांटेज जो नॉर्थ जोन के बल्लेबाजों के लिए रहा उसको आप कह सकते हैं कि जिस वजह से आपको इतने ज्यादा रन्स और इतना डोमिनेशन नॉर्थ जोन का आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद दूसरे और इंपॉर्टेंट मैच की बात करते हैं जो है सेंट्रल जोन वर्सेस ईस्ट जोन। यहां पर आपको दिखेगा कि दो बराबर की टीमें आपस में खेलती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि दोनों टीमों में क्वालिटी प्लेयर्स जो है वो आपको काफी ज्यादा खेलते हुए नजर आ रहे थे।
सेंट्रल जोन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया एक ट्रिकी विकेट पर, जहां शायद फास्ट बॉलर के लिए मदद है, क्योंकि दोनों पारियों में जिस तरह से गेंदबाजी हुई है उसको देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि फास्ट बॉलर ने जैसे शुरू किया था और पूरा दिन जिस तरह से गेंदबाजी हुई है बहुत कमाल की रही है। बल्लेबाजी की बात करें सेंट्रल जोन के लिए ओपन करने के लिए विवेक सिंह और हिमांशु मंत्री एमपी के प्लेयर, और विवेक सिंह रेलवेज और झारखंड के लिए क्रिकेट उन्होंने अपनी खेली है। सो दोनों ने शुरुआत तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक दी थी लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। 39 रन की पार्टनरशिप दोनों के बीच लगी और एक ठीक ठाक शुरुआत थी। विवेक सिंह मात्र 21 रन बनाकर के पवेलियन चल दिए, 66 गेंदें उन्होंने खेली 2 चौकों के साथ, और हिमांशु मंत्री उन्होंने 29 रन बनाए 92 गेंदों पर। यहां पर सिलेक्शन की बात होगी कि ध्रुव जोरेल का नाम भी काफी चल रहा था, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही थी व्हाइट वॉल क्रिकेट की बात की जाए या रणजी ट्रॉफी की बात की जाए, सो कहीं ना कहीं वो कंसीडरेशन में थे एज ओपनर, लेकिन उनको इस प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। और विवेक सिंह और हिमांशु मंत्री यहां पर सेंट्रल जोन के लिए ओपन कर रहे थे, और उसके बाद एक उत्तराखंड के प्लेयर कुणाल चंदेला, उनको खेलने का मौका मिला और वो भी कुछ खास नहीं कर सके, सिर्फ 13 रन उन्होंने बनाए 29 गेंदों पर 2 चौकों के साथ। उसके बाद एक और एमपी के खिलाड़ी, सेंट्रल जोन की टीम में आपको एमपी के प्लेयर्स ज़्यादा ओवरऑल दिखाई देंगे जो सिलेक्ट हुए हैं, उसमें शुभम शर्मा की बात करें, उन्होंने 13 रन किए 42 गेंद पर। रिंकू सिंह, जिन पर नजरें थी रेड बॉल क्रिकेट में, हालांकि रणजी ट्रॉफी का सीजन बहुत अच्छा गया था, और बाकी जो ऊपर के खिलाड़ियों की मैंने बात की, चाहे हिमांशु मंत्री की बात करें या शुभम शर्मा की बात करें, इन दोनों ने भी रणजी ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा किया था एमपी के लिए, उसी वजह से ये सेंट्रल जोन की टीम में पिक भी हुए हैं। और रिंकू सिंह के साथ भी सेम चीज आप कह सकते हैं कि यहां पर वो ज्यादा रन्स नहीं बना सके लेकिन अपनी टीम के वो हाईएस्ट रन गेटर जरूर रहे। 38 रन बनाए उन्होंने 58 गेंदों पर 6 चौकों के साथ। बात वही है कि पारी को लंबा नहीं कर सके और बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, रिंकू सिंह की बात की जाए। और उसके बाद नजरें जिस एक और खिलाड़ी पर थी, विकेट कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उपेंद्र यादव और इस टीम के उप कप्तान, उन्होंने सिर्फ 25 रन बनाए 60 गेंदों पर 3 चौकों के साथ। तो उनके लिए भी ये डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं, बिकॉज ये मौके हैं जहां पर आप स्कोर करेंगे तो आप अपना कद बड़ा करेंगे, इंडियन टीम में सिलेक्शन की रैंकिंग में आप पहुंचेंगे, और ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये मौके होते हैं, वक्त होता है जब आपको परफॉर्मेंस करके दिखानी होती है। और उसके साथ सारांश जैन, वो भी एक ऑफ स्पिनर और बल्ले से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन उनका देखने को मिला था एमपी के लिए रणजी ट्रॉफी में अगर बात की जाए, लेकिन यहाँ पर आए और गए अपना खाता नहीं खोल पाए क्योंकि उनको शिकार होना पड़ा मणिशंकर मूरा सिंह का। और क्या गेंदबाजी उन्होंने की है, एक तरफ जिस गेंदबाजी लाइनअप में आकाशदीप हों जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 40 से ज़्यादा विकेट लिए, ईशान पोरेल हों वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर आप कहेंगे इंडियन क्रिकेट में जो हैं, और उन सब के बीच सबसे बेहतर गेंदबाजी कोई करके गया है तो वो मणिशंकर मूरा सिंह ने की है, क्योंकि उन्होंने 20 ओवर में 42 रन दे करके 5 विकेट, पंजा कहीं ना कहीं उन्होंने अपना खोला है। और अब तक उनकी जो परफॉर्मेंस की बात होती रही थी वो थी कि छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, प्लेट ग्रुप की टीमों में खेलते हैं, सो वहां पर परफॉर्मेंस को उतना वैल्यू कैसे दिया जा सकता है। सो ये इस बार एक चीज हुई थी जहां पर रियान पराग को और त्रिपुरा से आने वाले मणिशंकर मूरा सिंह को ईस्ट जोन की टीम में लेकर के आया गया था और यहां पर इनको खेलने का मौका मिला और उन्होंने बड़े खिलाड़ियों के बीच भी बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अच्छे गेंदबाज है, बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूटर कह सकते हैं। इनके ऑलराउंड खेल की भी चर्चा बहुत ज्यादा रही थी और मैं बहुत सरप्राइज था कि इनको आईपीएल में किसी फ्रेंचाइजी ने पिक नहीं किया, क्योंकि इंडिया में जब आप देखते हैं तो आपको फास्ट बॉलर जो थोड़ी बल्लेबाजी कर सकता हो या ऑलराउंड स्किल कहीं ना कहीं लेकर के आता है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है और उसकी सप्लाई बहुत कम रहती है। सो यहां पर मणिशंकर मूरा सिंह का जो स्पेल था उसने कहीं ना कहीं सेंट्रल जोन की टीम को काफी नीचे लेकर के गए। बाकी बल्लेबाजों में बात करें कुछ खास कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला। कप्तान शिवम माबी ने तो 16 रन बनाए, साथ में आवेश खान के 10 रन थे और सौरभ कुमार भी कुछ खास नहीं कर सके। एट द एंड 182 रन पर सेंट्रल जोन की टीम ऑल आउट हो गई। मणिशंकर मूरा सिंह के अलावा बाकी गेंदबाजी की बात करें तो आकाशदीप ने शुरुआत अच्छी की, गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन विकेट उनके खाते में कोई भी नहीं था। 12 ओवर में 5 मेडन के साथ 21 रन उन्होंने दिए लेकिन उनके खाते में कोई विकेट नहीं था, और 10 में से 5 विकेट जब मणिशंकर मूरा सिंह के साथ थे तो बाकी तो बचे ही बहुत कम थे, जिसमें से ईशान पोरेल 1 लेके गए, सहवाज नदीम भी एंड में 1 विकेट लेकर के गए, और सहवाज अहमद
इनकी गेंदबाजी की तारीफ आपको अलग से करनी पड़ेगी, बिकॉज इस विकेट को अगर आप देखें, जिस तरह के गेंदबाजों के लिए हेल्प रही है, तेज गेंदबाजों के लिए मदद रही है, वहां पर स्पिनर का ऊपर के बल्लेबाजों का विकेट लेकर के जाना, क्योंकि शहबाज अहमद ने ऊपर के दो बल्लेबाजों को आउट किया है। 17 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 4 मेडन के साथ 42 रन देकर के 2 विकेट कहीं ना कहीं हासिल किए। सो पिछला सीजन जो उनका थोड़ा सा फीका गया था, रणजी ट्रॉफी की बात करें, रेड बॉल क्रिकेट की बात करें, तो नए सीजन के लिए बहुत अच्छे से तैयार नजर आ रहे हैं अगर शहबाज अहमद की बात की जाए। सो अभी तो गेंदबाजी इन्होंने दिखाई है, लेकिन बल्लेबाजी में अभी हाथ दिखाना बाकी है। सो 182 रन पर ऑल आउट होने के बाद सेंट्रल जोन की बारी थी अब गेंदबाजी करने की, और बल्लेबाजी का मौका था ईस्ट जोन के पास। सो ईस्ट जोन की भी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, उसका कारण है आवेश खान, और आवेश खान ने जिस तरह से गेंदबाजी की है पिछले 6 महीने में बहुत कमाल की रही है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो 35-36 के आसपास विकेट उन्होंने सीजन में लिए थे, और साथ में अब यहां पर जब उनके हाथ में गेंद थी तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भी उन्होंने 2 टॉप के बल्लेबाजों के विकेट्स निकाले हैं। शांतनु मिश्रा को उन्होंने आते ही चलता किया, उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए, और दूसरे बल्लेबाज पहली गेंद पर जिस खिलाड़ी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में, अभिमन्यु ईश्वरन को उन्होंने पहली गेंद पर चलता किया। सो दोनों ओपनर्स को आवेश खान ने चलता किया और बहुत सस्ते में दोनों विकेट गिरा लिए थे, क्योंकि दूसरा विकेट जो था वो भी 19 रन पर गिर गया था। उसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप आप कह सकते हैं कि सुदीप घरामी 19 रन पर नॉट आउट बैट्समैन खेल रहे हैं, इनका भी प्रदर्शन इस साल के रणजी ट्रॉफी में अच्छा रहा था, 600-700 रन के आसपास का सीजन इनके लिए भी गया था। सो कहीं ना कहीं आवेश खान का जो प्रोग्रेशन देखने को मिल रहा है इन रेड बॉल क्रिकेट के, बहुत अच्छा है, और इसी तरह से ग्रो अगर होते रहेंगे तो जरूर दोबारा से आपको बेटर वर्जन ऑफ आवेश खान देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल पहले दिन का सूरत हाल, आज के दिन का दिलीप ट्रॉफी का पहला दिन। कहीं ना कहीं जो दूसरा मैच है वो आपको ज्यादा रोमांचक देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 बराबर की टीमों के बीच मुकाबला है और अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। ये वीडियो भी आपको शायद अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।